सांडी के एक गेस्ट हाउस में शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने शिक्षा और शिक्षक के महत्व की बात कही है। कस्बे में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर एक गेस्ट हाउस में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर 300 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आए हुए सभी वक्ताओं ने शिक्षा और शिक्षक के विषय पर प्रकाश डाला। मदरसा अहयाउल उलूम के शिक्षक हसीब अहमद ने कहा, देश का बच्चा शिक्षित होना चाहिए। धर्म जाति से हटकर सभी शिक्षक उन बच्चों को खोजे जो अभी तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। अध्यापक वेरिस्टर सिंह ने कहा, गुरु का स्थान सर्वोच्च है, लेकिन अभी कुछ शिक्षक बच्चों को पाने का काम न कर अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, इसीलिए समाज में शिक्षकों का सम्मान नहीं रहा। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व चेयरमैन दिनेश चंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि हरीश चंद्र कुशवाहा, संचालन की अध्यक्षता आनंद मिश्रा, रामोतार अग्निहोत्री ने की। इस मौके पर समाज सेवी अनिल गुप्ता, पंकज द्विवेदी, नीरज त्रिवेदी, कैलाश चंद्र शर्मा, नजरे हुसैन, मुबारक हुसैन, तरीक अहमद, मुकेश अनवारों सहित कई शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। मास्टर साहब, आज शिक्षक दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस शिक्षक तालीम तो बच्चों को जोड़ना चाहिए सब लोगों को, सबको कायदे से हर बच्चे की तालीम जरूरी है। कोई बच्चा हो, किसी मजहब का हो, इल्म बहुत जरूरी है।